भारतीय सेना की कर्ण कवच सिस्टम को रिव्यू किया है। यह वही कर्ण कवच सिस्टम है जिससे भारत की फ्यूचर सोल्जर तैयार की जाएगी। इसी भविष्य की सैनिकों की सुरक्षा डाल माना जा रहा है। भारतीय सेना के लिए यह अपग्रेड बहुत अहमियत रखता है। इसकी सबसे खास बात यह होगी कि रात में अंधेरे और धुंध में इससे साफ देखा जा सकेगा। कर्ण कवच सिस्टम में हमला करने के लिए घातक हथियार हैं। कर्ण कवच सिस्टम की एक खूबी यह भी है कि असॉल्ट राइफलों में होलोग्राफिक्स और रिफ्लेक्शन लाइट होगी जो हेलमेट पर लगी होगी, दूरबीन के साथ जुड़ी होगी। इसकी मदद से हमारे जवान 360 डिग्री में कहीं भी देख पाएगी। बताया गया है कि कर्ण कवच सिस्टम में मल्टी हैंड ग्रेनेड भी होगी। यह ग्रेनेड विशेष रूप से स्वदेशी कंपनी से ही लिए जाएगी। इसी के साथ कम्युनिकेशन के लिए स्विच MPRA कम्युनिकेशन सिस्टम भी होगा। इससे जवान कम दूरी पर एक दूसरे को जरूरी संदेश भेज पाएंगे। इस लिस्ट में सबसे पहला नाम आता है स्वदेशी असॉल्ट राइफल AK-203 का। यह एक अत्याधुनिक घातक राइफल है। ये इंडो रशियन राइफल्स प्राइवेट लिमिटेड ने बनाया है। इसका हमला बेहद घातक होता है और इसको चलाना व हैंडल करना काफ़ी आसान है। इसका वजन सिर्फ 3.8 किलोग्राम है। इसकी लंबाई की बात करें तो यह 705 मिली लंबी है। इसे उठाना आसान है और यही कारण है कि जवानों को थकान भी कम महसूस होती है। बुलेट प्रूफ हेलमेट, यह हेलमेट जवानों के लिए एक सुरक्षा कवच के रूप में काम करेगा। इसका वजन सिर्फ 1 से 1.5 किलोग्राम है। खास बात है कि यह 45 कैलिबर की गोलियां 357 सिंग FMJ FN-44 मैगजीन 9 मिमी FMJ जैसी पिस्टल और राइफलों की गोलियों को आसानी से सहन कर सकती है।